बहुत बड़ी बात अमेरिकी संसद बोल रहे हैं, अमेरिकी सांसद बोल रहे हैं अपनी संसद के अंदर ये कहते हुए कि ये जो लोग हंगामा कर रहे हैं ये स्थानीय आतंकी हैं और ये अमेरिका का मूल चरित्र नहीं है। हमारी सहयोगी मधु हमारे साथ बनी हुई थी, बहुत शुक्रिया मधु। जब जरूरत होगी, जब अपडेट लेनी होगी तो फिर आपके साथ जुड़ेंगे। इन सब के बीच दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के बाद अब बात दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी देश की, भारत की। किसान आंदोलन का आज है 43वां दिन और आज संयुक्त किसान मोर्चा एक बड़े शक्ति प्रदर्शन का रिहर्सल करने वाला है। किसान संगठनों ने ऐलान कर दिया था कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और आज पहला चरण है उसका, या फिर कह दीजिए कि 26 जनवरी का ट्रेलर है। ट्रैक्टर परेड से पहले किसानों का मेगा रिहर्सल। हरियाणा से पंजाब तक किसानों का शक्ति प्रदर्शन। आम की तैयारी फुल है, चाहे 4 साल चलता रहे, ऐसे पीछे हटने वाले नहीं। हम 1,00,000 ट्रैक्टर लेकर परेड करने वाले हैं। दिल्ली कूच के लिए किसान संयुक्त मोर्चा की तैयारी पूरी। सांकेतिक हुआ है कि सरकार हमारी बात सुने। कल की बैठक से पहले सरकार के सामने समाधान ढूंढने की मजबूरी। कोई न कोई समाधान जरूर निकालो। ताकत, तेवर और ट्रैक्टर, इन तस्वीरों में ये तीनों चीजें एक साथ हैं। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी के दिन वो ट्रैक्टर की परेड निकालेगा और उस परेड का पहला रिहर्सल आज है। लेकिन हरियाणा और पंजाब में एक दिन पहले ही इसकी शुरुआत कर दी गई। पंजाब के मुक्तसर साहिब में 300 के करीब ट्रैक्टरों ने कृषि बिल के विरोध में मार्च निकाला, तो हरियाणा के करनाल में भी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। किसान संगठनों और सरकार के बीच कल 9वें दौर की अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उसके पहले ही ऐसे ट्रैक्टर मार्च निकालकर किसानों ने सरकार पर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। काले कानून वापस लैण दी खातर असीं सरकार नूं मजबूर करांगे। 2 महीने दे करीब हो गए उस बिल्लां दे रद्द कराउण वास्ते जिहड़ा ट्रैक्टर रोड शो कढ़िया जा रहा। तीनों कृषि कानून रद्द करा कर और MSP पूरे भारत में कानून के तहत लागू कराकर ही पीछे हटेंगे, ऐसे पीछे हटने वाले नहीं है। 26 तारीख को हमने एक बड़ा प्रोग्राम रखा है गणतंत्र दिवस पर, हम 1,00,000 ट्रैक्टर लेकर परेड करने वाले हैं। किसानों की लड़ाई लंबी खिंच सकती है, इसलिए किसान तैयार होने का दावा भी कर रहे हैं और तेवर भी दिखा रहे हैं। जमीन पर मिल रहे समर्थन से किसान नेताओं के हौसले भी बुलंद हैं। सांकेतिक हुआ है कि सरकार हमारी बात सुने और उससे फिर जो 26 जनवरी की परेड में जो शामिल होंगे, जो 23 तारीख से पूरी रिहर्सल और परेड में जाने वाले जो ट्रैक्टर होंगे उनकी लिस्टें आनी शुरू हो जाएगी, ये उसका एक ट्रायल है पहले। 26 जनवरी के शक्ति प्रदर्शन के लिए दिल्ली के आसपास कौन कौन से शक्ति पथ चुने गए हैं अब ये भी जान लीजिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान पहले सिंघू बॉर्डर से टिकरी बॉर्डर और फिर टिकरी बॉर्डर से सिंघू बॉर्डर तक ट्रैक्टर से आएंगे और जाएंगे। इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर से पलवल के लिए भी ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, साथ ही मेवात के नू से भी ट्रैक्टर परेड को पलवल में ही बुलाया गया है और इस शक्ति प्रदर्शन को एक साथ अंजाम दिया जाएगा। हालांकि कृषि मंत्री अब भी उम्मीद में है कि उससे पहले ही बीच का रास्ता ढूंढ लिया जाएगा। मैं पूरी तरह आश्वस्त भी हूं कि किसान यूनियन जो आंदोलनरत हैं वो कृषि सुधार बिलों की भावनाओं को समझेंगी और किसानों के हितों पर ध्यान देंगी और सकारात्मक रूप से चर्चा करके कोई ना कोई समाधान जरूर निकालेंगी। कृषि मंत्री आश्वस्त हैं लेकिन किसान आंदोलित, और अब तक इस बात के संकेत भी नहीं मिले हैं कि सुलह का रास्ता निकलेगा कैसे। हम और भी हजारों कमरे बनाने के शुरू कर देंगे, 8 तारीख के बाद में हमारा अगला प्लान यही होगा कि हम और भी कमरे बनाएंगे। इस अंदाजे बयां को देखते हुए ही कहा जा रहा है कि 9वें दौर की बैठक आंदोलन और असमंजस के बीच झूल रही है। इस बीच कांग्रेस मैदान के बाहर से ही सही लेकिन सरकार पर दबाव डालना शुरू कर चुकी है। रिपीट करके फिर कोई नया कोई कानून बनाना है, फार्मों की जथेबंदियों के साथ बैठ के आप कुछ जो कुछ करना है करो, लेकिन एक बार रिपील सबने कहा, आवाज पूरे हिंदुस्तान की उठी हुई है अगेंस्ट रिपील, तो रिपील करो। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात यह है कि कुछ दूसरे संगठन बिल के समर्थन में आ रहे हैं। जो तीनों कानून हैं ये प्रोग्रेसिव हैं और इसको
हमने सपोर्ट किया है। जीत आंदोलन की होगी या फिर सरकार के आश्वासन की, इस सवाल का ठोस जवाब अब से लगभग 36 घंटे बाद मिल जाएगा, जब दोनों पक्ष फिर से आमने सामने होंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।